गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह और फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं आपसे कुछ आईपीएल क्रिकेट रिलेटेड बातें करने। तो चलो बगैर किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और शायद जब लेता है तो एक सूत कपड़ा भी नहीं छोड़ता। दूसरी वाली लाइन हमारी है और मजाक में कही है हमने, गुस्सा मत हो जाना एकदम से। ठीक उसी तरह आईपीएल ने भी बहुत से खिलाड़ियों को बहुत कुछ दिया है। आईपीएल अपने 15वें संस्करण में पहुंच चुका है और इसकी वजह से बहुत से क्रिकेटर्स आज टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टीम का एक मजबूत हिस्सा है। मिसाल के तौर पे अंबाती राइडू, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन इत्यादि इत्यादि। सारे लोगों का नाम लेने लगूंगा ना तो आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं और चले जाओगे, फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी मुन्ना भैया की तरह। चलो टॉपिक पर वापसी करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो रातों रात सेंसेशन बन गए। अपने प्रदर्शन से हर जगह उन्होंने गर्दा उड़ा दिया, लेकिन फिर कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो से गए, मतलब सीधा अर्श से फर्श पर। ये रही उन टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट जो भौकाल मचाने के बाद कहीं खो से गए। नंबर 5 पर है राहुल शर्मा, आईपीएल सीजन 2011 का सबसे इकोनॉमिकल बोलर। भैया ने एक ड्रीम स्पेल किया था मुंबई इंडियंस के विरुद्ध, वो था 4 ओवर्स में 7 रन देकर 2 विकेट्स लेना। मामूली नहीं होता है ऐसा स्पेल करना T20 फॉर्मेट में। राहुल पेशेवर राइट आर्म लेग ब्रेक बोलर थे। अपने कैरियर डेकन चार्जर्स के साथ शुरू करने वाले इस गेंदबाज का टाइम पुणे वॉरियर्स इंडिया के साथ आया 2011 में। इन्होंने टोटल 14 मैचेस खेले उस सीजन में और 16 विकेट्स झटकते हुए सिर्फ 5.46 के औसत से बॉलिंग करी। गजब। क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर से भी इनको प्रशंसा मिली ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद। इनका नाम ऐसे आगे बढ़ा कि भाई साहब को टीम इंडिया का कॉल आ गया। 8 दिसंबर 2011 को चौथे वनडे मुकाबले में राहुल ने अपना ODI डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अपने पहले ही मैच में इन्होंने 3 विकेट ले लिए और वो भी तीनों बोल्ड। कि तभी ना जाने राहुल शर्मा को किसी की बुरी नजर लग गई। ऐसा परफॉर्मेंस वो कभी वापस दोहरा ही नहीं पाए और टीम से ड्रॉप हो गए। फिर लगातार इंडियन पैसा लीग मतलब कि इंडियन प्रीमियर लीग में भी निरंतर बिलो पार परफॉर्मेंस के चलते राहुल वापस वो नाम नहीं बना पाए जिसने उनको इतने शिखर पर पहुंचाया था। नंबर 4 पर है सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी बोले तो MS धोनी 2.0। कैसे? सेम टाइप बाल, सेम टाइप कट और काठी, सेम टाइप झारखंड से ताल्लुक, बस एक ही डिफरेंस था, ये भाई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। और बड़े भाई का आपको क्या ही अपने मुंह से हम बताएं, सबसे पहली वीडियो हमने धोनी साहब पर ही बनाई है, ऊपर लिंक छोड़ देंगे, देखना जरूर, अच्छा लगेगा हमको। हालांकि इनको 2008 में ही साइन कर लिया गया था, लेकिन इनका ब्रेक थ्रू सीजन आया 2010 में मुंबई इंडियंस के साथ। क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था वो। 16 मैचेस में 419 रन और उस पे भी 3 अर्धशतकीय पारी। स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त था 135.59 का। इन्होंने MI के मिडिल ऑर्डर में अंबाती राइडू के साथ मिलकर एक मजबूत नींव खड़ी की। टीम को उस साल फाइनल्स में पहुंचाने के लिए सौरभ तिवारी ने एक एंकर की भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद वो अगले 3 सीजन RCB के साथ खेले। 2014 में सौरभ दिल्ली डेयरडेविल्स के हो गए। मामले में थोड़ा दम सा नहीं रह गया था, वो 2010 का सौरभ कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। दिल्ली के साथ सफर बहुत छोटा था और इंजरी की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा। 2016 में एक नई फ्रेंचाइज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ तिवारी जी का गठबंधन हुआ और उन्होंने 2.50 लगा दिए। 2017 में भी MI की तरफ से खेलते हुए KKR के खिलाफ उन्होंने 1.50 लगाए। लगातार डिमोशन होना उनकी रैंक का, और कहां प्लेइंग 11 में रहते थे तिवारी जी, वहां से भी हटने लगे और बेंच पर बैठने लगे। ऐसे ही देखते देखते सौरभ के भी दौर का पतन होना शुरू हो गया और आज वो डिसअपीयर से ही हो गए हैं। नंबर 3 पर हैं स्वप्निल असनोडकर। भाई साहब गोवा से ताल्लुक रखते थे, मैं यही फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ बीचेस थे, समंदर था, वादियां भी थी और माहौल भी था, वहां स्वप्निल को क्रिकेट खेलने का टाइम कहां से मिल गया? मिल गया होगा तभी तो खेले हैं। 2008 में IPL शुरू हुआ और असनोडकर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उस साल यार उनकी। साउथ अफ्रीकन लेजेंड ग्रीम स्मिथ के साथ वो ओपनिंग करते थे पारी की। दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में एक साथ मिलकर 418 रन बनाए और उनकी औसत थी 59.71 की। इतना जानदार बेस खड़ा कर दिया कि राजस्थान ने पहला IPL का खिताब ही जीत लिया। अकेले स्वप्निल ने उस सीजन में 9 मैचेस के दौरान 311 रन मारे और वो भी हेल्दी एवरेज 34.55 के साथ। ट्राई रेट तो भैया का था 133.47 का। हालांकि
एकदम से वक्त और जज्बात बदल गए और ये कारनामा स्वप्निल वापस से रिपीट नहीं कर पाए। 2008 का वो करिश्मा, वो स्वप्निल अगले सीजन में मात्र 112 रन बना पाया। इस पुअर फॉर्म के चलते आईपीएल से स्वप्निल अजनोटकर गायब ही हो गए। नंबर दो पर है मनविंदर सिंह बिस्ला। अगर आप डाई हार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हो तो आप इस व्यक्ति को कभी भी भूल नहीं सकते हो। वैसे कमेंट बॉक्स पर बताओ जरा कि आप किसके फैन हो। केकेआर को पहली बार खिताब मनविंदर सिंह बिस्ला की खेली हुई 48 गेंदों पर 89 रन की पारी नहीं जिताया था। ओपोनेंट कौन था पता है? केकेआर वालों को पता ही होगा, चेन्नई सुपर किंग्स। क्या ही पारी थी वो। शाहरुख खान तो इतना खुश थे कि मानो स्टैंड्स पर ही कूद कर बिस्ला को चलते मैच में ही उठाने को आतुर थे। लेकिन ऐसा किया नहीं, किया थोड़ी ना जाता है यार ऐसा सब कुछ। मैं तो मनोस्थिति की बात कर रहा था। भाई की इनिंग्स ने तो इन्हें मैन ऑफ द मैच दिलाया और केकेआर को आईपीएल की 2012 सीजन की ट्रॉफी। अगले सीजन में सबको यही लगा कि बिस्ला मार मार के सबका दुम्बा बना देगा। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो ना, तभी सब वक्त और जज्बात वाली लाइन यहाँ पर फिट भी हो जाती है। मामला अगले सीजन में दौड़ा नहीं और केकेआर ने बिस्ला को अगले सीजन में ड्रॉप कर दिया। तो 2015 में आरसीबी ने उन्हें उठा लिया, लेकिन उठा तो लिया लेकिन चांस ही नहीं दिया। कि तभी एक खबर सामने आने लगी कि बिस्ला ने बदतमीजी करी राहुल द्रविड़ के साथ। राहुल द्रविड़ समझ रहे हो, दीवार, द वॉल और मौजूदा टीम इंडिया के हेड कोच, मामला समझ रहे हो इनका। लोग इन पे बहुत गुस्सा भी हुए, वापस नहीं आए फिर बिस्ला और कहीं खो से गए। नंबर एक पर है पॉल वलथाटी। एक बात बताऊं, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था पॉल को देखकर। क्या ही ड्रीम सीजन था 2011 का इनका। किंग्स 11 पंजाब ने 2011 में अपने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर पॉल वलथाटी को शामिल किया। वो सुर्खियों में तब आए जब महाशय ने 189 के टारगेट को चेस करते हुए एक ब्लिस्टरिंग सेंचुरी मार दी, वो भी मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। मानो या फिर ना मानो, CSK के खिलाफ जो भी चला वो कोई ना कोई रिकॉर्ड बुक्स में तो जरूर आया। कुछ बात तो है यार इस टीम में। उस दिन उन्होंने मात्र 63 गेंदों में 120 रन की पारी खेलकर सीजन की पहली सेंचुरी भी जड़ दी। 11वें सीजन में वलथाटी ने टोटल 463 रन बनाए थे, वो भी एक शानदार औसत के साथ जो था 35.61 का। स्ट्राइक रेट था 136.98 का। क्या ही जबरदस्त स्टैट्स है ना ये सब। रन टैली में उनका नाम भी कुछ ब्लॉकबस्टर के साथ शामिल था। वो रेस में छठे थे और उनसे ऊपर क्रिस गेल, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर थे। पूरे सीजन में पॉल ने 1 सेंचुरी और 2 50 रन मारे थे, लेकिन इसके बाद से करियर का ग्राफ एकदम से डाउनहिल पर चला गया और लगा कि गाड़ी मानो रिवर्स गियर पर ही चलने लग गई हो। 2013 के आईपीएल सीजन में इन्होंने महज 30 रन स्कोर किए 6 मैचेस में, और यही शायद वो समय था जिसने पॉल वलथाटी के करियर पर फुल स्टॉप सा लगा दिया। इन सभी खिलाड़ियों का करियर बहुत तेजी से शुरू हुआ और फिर एकदम से धूमिल सा हो गया। क्रिकेट में शायद से सेकंड चांस बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है ना हमारे यहाँ। खैर, हम इनके टैलेंट्स को सलाम करते हैं। ऐसे लेवल पर आकर परफॉर्म करना आसान बात नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा जरूर। हमें और किस टॉपिक पर अपनी वीडियो बनानी चाहिए वो भी हमें जरूर बताएं, बहुत अच्छा लगेगा हमको। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फैला दीजिए जहां भी आपको फैलाना हो, और अच्छे से फैलाइएगा। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा दबा दीजिए उसे, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब एक नई वीडियो के साथ आपको हम कल मिलेंगे ठीक सुबह 10 बजे।